हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दिल अलर्ट टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले खुशखबरी। आज बहुत खुशखबरियां हैं और बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं मेरे पास। तो खुशखबरी ये है कि दी ललन टॉप का सिनेमा को समर्पित चैनल आ गया है। नाम है ललन टॉप सिनेमा। फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, इंस्टा हैंडल भी मिलेंगे आपको। माने जहां मर्जी आप वहां मनोरंजन पाइए। बहुत फन होने वाला है, बहुत ज्ञान मिलने वाला है। हल्की फुल्की बातों, मतलब तैमूर ने क्या पहना और जिम लुक, एयरपोर्ट लुक जितनी हल्की बातें भी नहीं रहेंगी। हाँ, तो हल्की फुल्की बातों से लेकर सिनेमा के गंभीर ज्ञान तक सब कुछ आपको मिलेगा। YouTube पर वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएंगे। Facebook पर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। Insta पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Google कर लीजिए, आपको वहां वो लिंक मिल जाएगा जो ये बताएगा कि Insta पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक काम नहीं करते क्यों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। दूल्हे की बहन की भलमनसाहत सबका दिल छू गई। इस अफसर ने दुल्हन को साइकिल पर बिठाया और वीडियो वायरल कराया। अंपायर के जब गजब एक्शन पर बड़े क्रिकेटर क्या कह रहे हैं वो दिखाएंगे और पिकॉक डे में करेंगे बात कश्मीर की असल तस्वीरों की। लेकिन क्या, बढ़ते हैं खबरों की और क्या। पापिया कर नाम की फेसबुक यूजर की तस्वीरें बहुत वायरल हैं फेसबुक पर। अब हर ओर उनके बारे में बात हो रही है, हजारों लाइक्स बरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि राणाघाट रेलवे जंक्शन की ये फोटो है जिसमें पापिया जरूरतमंदों को खाना परोस रही हैं। ये खाना उनके भाई के रिसेप्शन के बाद बचा था। तस्वीरों में क्या दिखता है कि शादी वाले कपड़ों में सजे धजे ही पापिया ने ये काम शुरू कर दिया लोगों को खिलाने का। वायरल होने के लिए कंटेंट में एक अलग एलिमेंट की जरूरत होती है। इस फोटो में क्या था, मतलब इन तमाम फोटोज में क्या था, शादी के बाद ठीक शादी के बाद भलाई के काम में लग जाना, ये उसमें एकदम शौक जैसा था। तो तस्वीर देख के लोगों को बड़ा अच्छा लगा। वैसे शादियों का खाना जरूरतमंदों को बांटने का काम कई लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पापिया खुद अपने हाथों से लोगों को खाना परोस रही थी। खाने वाली की गरिमा भी थी, खिलाने वालों की गरिमा भी थी, इसलिए लोगों को फोटोज और ज्यादा पसंद आ रही हैं। ट्विटर पर पीट पिरिंजर नाम के हैंडल से आई एक जलते और जले हुए घर की तस्वीरें। वाशिंगटन डीसी से 40 किलोमीटर दूर ये घर था जिसका मालिक घर में सांप आने से बहुत परेशान था। उसको लगा होगा कि लोग आस्तीन में सांप रहने नहीं देते, मैं घर में क्यों रहने दूं। उनको भगाने और डराने के लिए धुएं का सहारा ले रहा था। बात है 23 नवंबर की, फोटोज वगैरह अब मतलब घर जलने के बाद वायरल होकर हम तक पहुंची है। तो हुआ वही जिसका डर होता है, सांप तो नहीं गया, घर जल गया, धुआं जाने का आग बन गया। सांपों के चक्कर में $1 मिलियन का नुकसान हो गया उस बंदे का। किसी इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, जाने सांपों का क्या हुआ होगा उस आग में। मध्य प्रदेश के शहडोल के व्यवहारी के भाजपा विधायक शरद कौल का वीडियो वायरल है। अब देखिए आप कितना पूर्वाग्रह पाल के रखते हैं। नेता का वीडियो वायरल है, हमने ये कहा तो आपने सोचा होगा कि पक्का कुछ अजीब काम या कोई गलत काम कर रहे होंगे। हर बार ऐसा नहीं होता, नेता भी इंसान होते हैं। शरद जी बढ़िया छत्तीसगढ़ी गाने पे एकदम डांस करते नजर आ रहे थे। एमपी के हैं विधायक, छत्तीसगढ़ी गाना वो काफ़ी फेमस है, गमछा गिरी गिरी जाए, गमछा गिरी गिरी जाए। तो बढ़िया म्यूजिकल प्रस्तुति थी उनकी। विधायक जी भी एकदम मन लगा के नाच रहे हैं। हम ऑडियो आपको नहीं सुना सकते, मतलब गाना नहीं सुना पाएंगे, आप वो यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, आप वीडियो देखिए, अच्छा नाचे हैं विधायक जी। तेज प्रताप यादव ने दिखाया बड़ा दिल, सड़क पर पेन बेचने वाली बच्ची को आईफोन गिफ्ट किया, ऐसा कह के एक वीडियो खूब चल रहा है। सीन ये था कि शनिवार को वो पटना की बोरिंग रोड पर थे, वहाँ एक बच्ची मिली, मेधा नाम था उसका, पापा उसके ऑटो चलाते थे, बच्ची पेन बेचती थी। ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ोन नहीं था, तेज प्रताप यादव से बातों में उसने ये सब बताया, तो वो उसको दुकान ले गए, जाके आईफोन दिला दिया। अब वीडियो वायरल है, कोई इसको दरिया दिली बता रहा है, कोई गिमिक कह रहा है, और कोई बोल रहा है कि एंड्रॉयड दिला देते तो थोड़े ऐप्स उसमें फ़ोन में ज़्यादा इंस्टॉल हो जाते। क्या करेंगे फ़ोन का, पढ़ेगी ना, हाँ पढ़ेगी ना, अभी पेन नहीं बेचेगी, स्कूल जाएगी, स्कूल जाना, इस पे पढ़ाई करना है, इस पे होता है क्लास, ऑनलाइन होता है ना, सीख लेगी, जान लेगी, सब करा।
एक और वायरल वीडियो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, निवाड़ी से आया है। सोशल मीडिया पर यह कह के चलाया जा रहा है कि डीएसपी लग्जरी कार से नहीं साइकिल से दुल्हन को ले आए। इस कैप्शन से ऐसा लगता है कि मानो विदा करा के लाए हो। सीन ऐसा नहीं था, सीन ऐसा था कि शादी के बाद जो अपने लोक वाले देवी देवताओं के हाथ छुआने जाते हैं वैसी रस्म में, कहीं बूढ़ी माई को, कहीं किसी गाँव के मंदिर में, कहीं नदी किनारे वाले मंदिर में ये हाथ छुआने वाली रस्म का चलन होता है। तो ये वो वाली रस्म थी जहाँ निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के SDOP संतोष पटेल अपनी पत्नी को साइकिल पर बिठा के ले जा रहे थे। फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया। देखिए वीडियो आप। इंजीनियरिंग में लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद मैं बस एक चीज और एक शब्द सीख पाया और याद रख पाया, सिंक या सिंक्रोनाइजेशन। माने हर चीज में वहां ऐसा होता था कि जब D1 और D3 चलेगा तो D2 और D4 बंद रहेगा, जब D2 और D4 चलेगा तो D1 और D3 काम नहीं करेंगे। ऐसा ही हर चीज में, कुछ भी मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता था, हर चीज में ऐसी कुछ कुछ कंडीशन होती थी और एक फ्लो सा बन जाता था। सिंक शब्द के साथ ही नामों का फ्लो बनाती नजर आई BCCI, जिसने ट्वीट की फोटो जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कुछ इस तरह खड़े थे। ये बहुत अखबारी हो रहा है। तो भाई सुनो, इनने क्या किया कि इनने अक्षर पटेल, एजाज पटेल, रचिंद्र रवींद्र और रवींद्र जडेजा को ऐसे खड़ा कर दिया कि चार टी शर्टों पर बस दो पूरे नाम अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा नजर आ रहा था। ऐसा किया इन्हें, वर्ड प्ले किया, क्योंकि वर्ड प्ले से इस देश को बहुत प्यार है। हर हर के साथ घर घर बैठा देते हैं, मार और सरकार का वर्ड प्ले सरकार बना देता है। खैर जनता को बड़ा पसंद आया, कोई बोला मार्वल भी क्या ही ऐसा क्रॉस ओवर करेगी, कोई बोले बड़े मतलब लोग बड़े खराब हैं, कोई क्या बोला लोग बड़े खराब हैं। इस फोटो में उन्होंने खोज लिया कि किसकी कमीज ज़्यादा ऊंची ली है, बतियाने लगे कि लगता है न्यूजीलैंड वालों का साबुन स्लो है। ऐसी ऐसी बातें सब चलती रही, जनता मजे लेती रही। नेपाल से आई एक फोटो दिखाते हैं, बेसिकली दो फोटो दिखाते हैं। सूसू करने वाली जगह की फोटो है, तो जिसको ना देखना हो जल्दी से आंख बंद कर ले या मोबाइल बंद कर दे। नंगू पुंगू कुछ नहीं है, लेकिन उस जगह की फोटो है जहां सूसू लोग करते हैं। तो कोई खाना वाना खा रहा हो तो उसको संभलने के लिए अभी 1-2 सेकंड है। ठीक है, अब दिखा दो फोटो भाई। कनकमणि दीक्षित ने फोटो डालते हुए लिखा, आई डू प्रोटेस्ट एज ए मेंबर ऑफ द फ्रेटर्निटी। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि सूसू वाले गोले के ऊपर लिखा था प्रेस। माने वर्ड प्ले था कि बताओ मीडिया वालों को ऐसा कह दिया। वैसे एक बात कहें, आप लोग बुरा ना मानेंगे, मतलब कह दें, जर्नलिज्म के नाम पे कुछ लोग आजकल जैसा कर रहे हैं ना, नाम सबको पता है, हम किसी के नाम नहीं लेंगे, लेकिन जर्नलिज्म के नाम पे जो लोग आजकल कुछ कर रहे हैं ना, तो ये प्रेस वाला साइन है, वो एक कमरे अंदर भी हो सकता है। आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ या मैं और मुँह खोल के बोलूँ? समझ गए होंगे। को ट्वीट विद द सीन यू वांट टू रिक्रिएट इन योर लाइफ, ऐसा लिख के एक प्राचीन काल का थ्रेड फिर वायरल हो पड़ा है। माने कि वो सीन लगाओ फिल्म का जैसा तुम अपनी खुद की लाइफ में रिक्रिएट करना चाहते हो, फेवरेट सीन हो कोई। तो जनता ग्लैडिएटर से लेके ये जवानी है दीवानी तक के सीन लगा रही है। उदाहरण के लिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पुरंदर प्रीमियर लीग का एक वीडियो वायरल है, इसमें अंपायर शीर्षासन करके वाइड दे रहे हैं अपने पैर फैला के। वीडियो खूब चल रहा है, इसको माइकल वॉन तक ने RT मार दिया और लिखा कि श्योरली वी नीड टू सी दिस चैप जॉइन द ICC एलीट पैनल। सोशलिस्ट में अब आ रही है पिक ऑफ द डे की, जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी तस्वीर, अकाउंट हैंडल, चैनल बताते हैं हमको बड़ा जहां पार लगा। आप भी देख लीजिए, यूट्यूब चैनल भी दिखा देते हैं। आज यूट्यूब चैनल में हमने बात की ललन टॉप सिनेमा की, तो आप आज उसको भी मतलब याद से मैं रुक के कह रहा हूँ उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पिक ऑफ द डे की ओर। आज जिस इंस्टा हैंडल के बारे में हम बात करेंगे वो है बासित जर्गर बी, नाम से मिलेगा आपको, BASITZARG फिर से बोल देता हूँ, BASITZARG। अभी अगर सस्पेंस रह गया हो तो हम बता दें कि इनका नाम बासित जर्गर है, कश्मीर के फोटो जर्नलिस्ट हैं। बेसिकली वहाँ की सुंदरता और वहाँ की आम जिंदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर बहुत कमाल की तस्वीरें होती हैं जो देखी जा सकती हैं। वीडियो आपको बोनस में मिल जाते हैं उनके अकाउंट पर, कुछ फोटोज आप देख लीजिए। और जाते जाते जरूरी बात, कहा था ना सूचना देंगे, तो एक जरूरी सूचना, कानपुर, प्रयागराज, झांसी और मेरठ और आगरा के बाद, मतलब आगरा के भी बाद,
मतलब ऐसा सोचा था फ्लो में बोलूंगा, बड़ा ऐसे एंकर टाइप हो नहीं पाया। खैर, तो इन सब के बाद ललन टॉप अड्डा अब जमेगा गोरखपुर में। दिन तारीख समय क्या है, शुक्रवार का दिन है, तारीख है 10 दिसंबर की। सितंबर मुंह से निकल रहा है, मैं आपको जानकारी देने आया हूँ, खुद गलती कर रहा हूँ। तारीख है 10 दिसंबर की, दोपहर 2 बजे ललन टॉप की टीम आपको कहाँ मिलेगी, विंध्यवासिनी पार्क गोरखपुर में। वहाँ पहुँचना है, वहाँ ललन टॉप अड्डा है 10 दिसंबर को, शुक्रवार होगा, संडे नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है, हम जा रहे हैं। टाटा।